अकाउंटेबिलिटी का क्या स्टेटस है, चेक एंड बैलेंस का क्या मेयार है, क्या ऑफिसर्स आपके सुपरवाइजर्स इस काबिल हैं कि वो जाके लोगों को रैंडमली, जिस तरह मीडिया जो है निशानदेही कर रहा है, मीडिया एक्टिवेट हो रहा है, चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या पुलिस के अपने लोग या उनके अपने सुपरवाइजर्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से बेहतरी नहीं आएगी? नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, बल्कि ऐसा होता है, मुसलसल चेक होता है, मुसलसल राउंड पे रहते हैं हमारे आला अफसरान और वो खुद चेक करते रहते हैं। अगर कोई बदउनवानी नजर आती है तो उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन होता है और फौरी तौर पे जो जिम्मेदार है किसी बदउनवानी का उसके खिलाफ प्रॉम्प्ट एक्शन होता है और डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। और उसका सबूत ये है कि हमारे पास पूरे महीने भर में, हफ्ते भर में और साल भर में जो हमने एक्शन लिया होता है उसका पूरे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, उसका डाटा मौजूद होता है। सर, आप लोगों ने अभी जो है हाल ही में कुछ अरसे के लिए हेलमेट की मूवमेंट स्टार्ट की है, हेलमेट पहनने की, बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन इसके जो असरार और रुकूज हैं कुछ हम तक आश्कार हुए हैं, अगर मैं डिस्कस करूं तो यकीनन आपको बुरा नहीं लगेगा। मुझे कुछ बुरा नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि सिर्फ साल में एक या दो महीने के लिए ही ये मूवमेंट क्यों? नहीं नहीं, आपकी जो हमने स्टार्ट की है ये मुहिम, तो ये है टिल द अचीवमेंट ऑफ गोल, और गोल ये है, गोल क्या है? गोल है 100% कंप्लायंस। क्या हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्रियों से कुछ डील वील? नहीं, ये सब बातें बड़ी सतही बातें हैं और ये ऐसे इल्जाम पुलिस के ऊपर लगा देना ये तो बिल्कुल ही, असल एम हमारा ये है कि 100% लोग जो रोड पे मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं वो हेलमेट पहने। साल भर के लिए क्यों नहीं, मतलब सारा साल होना चाहिए ना कि यही मैं कर रहा हूँ कि अब ये गोल ओरिएंटेड मुहिम है, जो जब तक हमें गोल अचीव नहीं हो जाएगा हम इस मुहिम को जारी रखें। और ये गोल है 100% कंप्लाइंस, हर फर्द जो मोटरसाइकिल राइडर है वो जब तक हमें हेलमेट पहना हुआ नजर नहीं आ जाएगा ये मुहिम हमारी जारी रहेगी। बड़ी अच्छी बात है। लाइसेंस चेकिंग का या लाइसेंस की अवेलेबिलिटी का या लाइसेंस की मॉनिटरिंग का क्या निज़ाम है? क्या हर बंदे के पास जो कि रोड पे गाड़ी लेके फिर रहा है या बाइक लेके फिर रहा है उसके पास लाइसेंस होता है? मुझे सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है, कभी आप मेरे साथ चलें और चलकर देखें कि रोड्स पर ऐसी हैवी ट्रैफिक भी मौजूद होती है, नॉर्मल ट्रैफिक भी है, बाइक राइडर्स भी हैं, सबके सब जो है बगैर लाइसेंस के, मोस्टली मैं उनमें से आपको बता रहा हूँ, बगैर लाइसेंस के चला भी रहे होते हैं, आपकी पुलिस भी उसके दरमियान मौजूद होती है, तो उसको कौन काउंटर करेगा? नहीं देखिए, जहाँ भी अंडर एज होने का अंदेशा होता है, ओवर एज लोगों के पास भी नहीं है सर, ओवर एज भी चेक होते हैं और हम रोकते ही सबसे पहले जो चीज़ डिमांड की जाती है किसी ड्राइवर से या मोटरसाइकिल राइडर से वो लाइसेंस ही होती है और उसके ऊपर हमारे पास चालान की पूरी तादाद मौजूद है, वो आप कहेंगे तो मैं आपको शो कर देता हूँ। बड़ी गाड़ियाँ टिंटेड ग्लासेस की एक मुहिम स्टार्ट हुई थी कि नहीं होने चाहिए। आप क्लिफ्टन में जाएं, तीन तलवार पे जाएं, आप जो है मशहूर मेगा मॉल्स हैं कराची के, शॉपिंग मॉल्स, उनके सामने जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनको चेक करना जो है ना एक आम पुलिस वाले की शायद बस में नहीं होता, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? एक आम आदमी की छोटी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है, ये तो जुल्म नहीं है? मैं करूँ आपको कि टिंटेड ग्लासेस के खिलाफ मुसलसल मुहिम जारी है, लेकिन आपको 100% कंप्लाइंस इसलिए नज़र नहीं आती कि अगर आप रोज़ाना जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ रोड पर आती हैं तकरीबन 570 to 600 तो रोज़ ही एड होती हैं, उनको आप हमारी नफरी से अगर कंपेरिजन करके देखें तो एक वाजे आपको डिस्पैरिटी नज़र आएगी। हम 3,300 और आबादी यहाँ की अबाउट 20 मिलियन है, तो अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो अगर 100% कंप्लाइंस नहीं है तो उसकी वजह नफरी की कमी भी है। और वो आपने ही सेट करानी है ना, ये मेरा सवाल आपसे पहले भी था अब भी है कि वो आप लोगों ने ही सजेस्ट करना है ना, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों भर्ती नहीं हो रही? हम सजेस्ट कर रहे हैं और यंग लोग होने चाहिए, यंग आप जैसे यंग लोग होंगे तो शायद पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे तो शायद बेहतरी। तो अपॉइंटमेंट में तो लाजमन एज लिमिट होती है और यंग लोग ही आते हैं, बल्कि अब तो मैं पहले भी आपसे सोच चुका हूँ कि बड़ी बेटरमेंट आई है और बड़े पढ़े लिखे लड़के और ख्वातीन हमारे पास आ रही हैं, मास्टर्स तक पास कांस्टेबल लेवल पे, तो कांस्टेबल लेवल पे जब आप एजुकेशन के ये लेवल देखेंगे तो यकीनन मजीद बेहतरी आएगी और मौजूदा सूरत हाल में हमें मजीद नफरी देने की कोशिश की जा रही है और वो भी इंशाल्लाह जल्द हमें हमारे तक पहुँचा। अभी हमने आप तक रसाई हासिल की बड़ी मुश्किल से, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट की वजह से पूरा ट्रैफिक पैक था, हमारे अपने क्रू के लोगों ने खड़े होकर ट्रैफिक को क्लियर करवाया, वहाँ पर पुलिस का एक बंदा भी नज़र नहीं आया। सर ये अफसोसनाक बात नहीं है कि आपके अपने दफ्तर के बिल्कुल अकॉर्डिंगली बिल्कुल नज़दीक जो है एडजेसेंट रोड है वहाँ पर आपके पुलिस के बंदे नहीं हैं? नहीं, लोग मौजूद हैं, आज असल में एक जलसा भी है, सियासी जलसा भी है बड़ा, और कौन सा एक्सीडेंट हुआ है अभी मैंने उसके बारे में मालूम करवाया है,
तो कभी कभी एक्सीडेंट और जलसों की वजह से ट्रैफिक स्लगिश हो जाता है, कुछ ऑल्टरनेट रूट होते हैं वहाँ पे हम लोग अपने खड़े करते हैं जाके वो सही फ्लो को निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर रिजवी साहब, ADIG ट्रैफिक पुलिस, नाज़रीन आज के खबरदार में हमारे साथ मौजूद रहे। ज़रूरत सिर्फ जो है यंग माइंड्स, प्रोफेशनल माइंड्स और ऐसे माइंड्स की है जो कि करप्शन फ्री सिस्टम को यकीनी बना सकें। नाज़रीन आज के इस एपिसोड में आपने व्हीकल लिफ्टिंग की आड़ में होने वाली बदउनवानी का पर्दाफाश होते हुए देखा। अगर आपके इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत, आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ किसी और इलाके में और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।